इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। तो इस आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे स्टेप अप की। तो स्टेप अप में क्या होता है कि आपका इनपुट साइड में हम लोग वोल्टेज जो होता है कम होता है और आउटपुट साइड में वोल्टेज हमको ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आपको दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड। तो उस प्राइमरी साइड में जो लपेटों की संख्या है उसको N द्वारा निरूपित किया गया, NP द्वारा। करंट जो प्राइमरी साइड है उसको IP द्वारा निरूपित किया गया और वोल्टेज जो प्राइमरी साइड में है उसको VP द्वारा निरूपित किया गया। उसी प्रकार सेकेंडरी साइड में जो आपका लपेट है, वाइंडिंग में लपेट की संख्या, उसको NS द्वारा निरूपित किया जाता है। सेकेंडरी साइड में जो करंट है उसको IS द्वारा निरूपित किया जाता है और आपको सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है उसको VS के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको भी के बदले ई भी यूज किया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमको वोल्टेज कम से अधिक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को, अगर हम जो इसको वोल्टेज को हाई कर रहे हैं, तो जब वोल्टेज अगर आपका यहाँ पे हाई हो रहा है, यहाँ वोल्टेज हाई हो रहा है अगर, तो करंट जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशियो चेंज करता है ट्रांसफार्मर, तो करंट का रेशियो यहाँ पे, करंट का जो रेशियो है वहाँ पे कम हो जाएगा और वोल्टेज का रेशियो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक वोल्टेज बढ़ जाएगा करंट घट जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल हमको क्या मिलता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी लपेटों की संख्या जो होती है वो प्राइमरी की लपेटों की संख्या से हमेशा अधिक रहेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको सेकेंडरी वोल्टेज जो प्राप्त हो रहा है वो प्राइमरी वोल्टेज से अधिक होगा। ठीक है, लेकिन करेंट के तो स्थिति में देखते हैं क्या जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पर प्राइमरी करंट जो है वो आपका सेकेंडरी के करंट से अधिक होगी। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, ये ट्रांसफार्मर यूज होता है आपका जहाँ भी आपको ट्रांसमिशन जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ से आपको पावर सप्लाई को दूर भेजना होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, 11 kV जो आपका पावर जनरेटिंग स्टेशन जनरेट कर रहा है उसको क्या किया जाता है, 440 kV के आसपास आपको इसको वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है। 11 kV से इसको 400 kV के आसपास बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का तात्पर्य इससे होता है क्योंकि यहाँ पे जब आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट आपका घट जाएगा, और घटने के कारण क्या होगा, आई के कारण जो हम लोग पढ़ चुके हैं आई के कारण जो कॉपर लॉसेस होते हैं, करंट के फ्लो के कारण कॉपर लॉस होता है, और कॉपर लॉस चूँकि हम जानते हैं हीट के तौर पर होता है, तो हीट में जो कॉपर लॉस हो रहा है, कॉपर लॉस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। कहने का अर्थ है कि करंट जितना अधिक रहेगा उतना ज़्यादा लॉसेस होगा, इसलिए करंट की मात्रा को कम से कम करना चाहिए ताकि हमारा पावर ट्रांसमिशन करते वक्त हमारा लॉस बीच रास्ते में ही ना हो जाए पूरा अधिकतर पावर। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट की रेशियो को कम कर दिया जाता है इसके द्वारा। तो इसमें पावर, जो पावर उत्पन्न हो रहा है उसमें
ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज का रेशियो बढ़ा दिया जाता है स्टेक द्वारा और करंट को कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कॉपर लॉस ट्रांसमिशन लाइन में कम होता है और मैक्सिमम पावर आपका जो डिस्टिनेशन तक है वहाँ पे पहुँचता है। अब फिर आता है सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको 400 केवी ट्रांसफार्मर ट्रांसमिट हो गया और वो आया आपको जो आपके स्टेशन सब स्टेशन में ये सब में आया, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे तो आया आपका 400, सपोज कीजिए 400 केवी आया, तो अब ये इसको क्या करना है, अब क्योंकि डोमेस्टिक तौर पे तो आपका जो है थ्री फेज है तो 440 है और सिंगल फेज है तो 230 में यूज होता है वोल्टेज में 440 थ्री फेज में और 230, तो मत कहने का अर्थ है कि अब इस 400 केवी को वोल्टेज को कम करके हमको इतना वोल्टेज बना देना है, तो हमको बनाना है अब देखिए यहाँ अधिक से वोल्टेज को कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या है, जिस इनपुट साइड में आप लपेट की संख्या जो है क्या होगा, इनपुट साइड में जो लपेट की संख्या है वो सेकेंडरी की अपेक्षा अधिक होगा, वोल्टेज जो इनपुट दे रहे हैं प्राइमरी साइड में वो सेकेंडरी की अपेक्षा अधिक होगा और यहाँ पे करंट जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो सेकेंडरी करंट यहाँ पे जो सेकेंडरी करंट है वो प्राइमरी करंट के अपेक्षा अधिक होगा, ठीक है। तो जस्ट ये स्टेप अप का उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपका वोल्टेज कम हो जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दो तरह का ट्रांसफॉर्म होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है ये समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है उसको के द्वारा निरूपित किया जाता है, नियतांक होता है ये, वो हो जाता है आपको ns बटा np बराबर आपको vs बटा vp, और यहाँ पे चूंकि करेंट का जस्ट उल्टा होता है तो यहाँ पे IP बटा IS हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कहने का अर्थ क्या है कि सेकेंडरी की अपेक्षा अगर लपेट के अर्थ में लेते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज की अपेक्षा प्राइमरी वोल्टेज का रेशियो और सेकेंडरी लपेट की अपेक्षा प्राइमरी लपेट का रेशियो और करेंट का अर्थ में लेते हैं तो प्राइमरी करेंट की अपेक्षा सेकेंडरी करेंट का रेशियो आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।